उधर अंबाला में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि हम लोगों के घर घर तक पहुंच गए और वो पन्ना प्रमुख तक ही रह गए। इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार में प्रदेश नंबर वन थी, लेकिन इन्होंने अब बेरोजगारी में नंबर वन कर दिया है, इसलिए विधानसभा चुनाव में 36 बिरादरी मिलकर कांग्रेस की सरकार बनाएगी। वो हरियाणा के लोगों ने साफ संकेत दिया उसे कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है उसमें 36 बिरादरी फैसला करता है कांग्रेस सरकार बनाने का, क्योंकि जो आपने देखा 19 के मुकाबले 20% वोट का इजाफा हुआ हमारा, जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में खेलर खिलाड़ी में नंबर एक था पूरे हिंदुस्तान में, मेरे आगे नहीं। आज 10 साल साढ़े 9 साल के बाद आज हरियाणा नंबर एक हो गया बेरोजगारी में। पन्ना प्रमुख अब देख लिया ना, पन्ने कहाँ गए उनके, हम घर घर तक पहुँचे हो पन्ने पे बैठे हैं।